अंग्रेजी स्कॉटिश वंश के अमेरिकी ईसाई मिशनरियों के पुत्र भारत में जन्मे और भारत की मिट्टी में पले टॉम अल्टर अब इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए हैं। उनका निधन मुंबई में उनके घर पर हुआ। लंबे समय से स्किन कैंसर से जूझ रहे थे, जो अल्टर की मृत्यु की वजह बनी। टॉम 18 साल की उम्र में अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी गए पढ़ने, लेकिन मन नहीं लगा और पढ़ाई बीच में छोड़कर ही वापस चले आए। अगले कुछ वर्ष उनके संघर्ष के वर्ष रहे। कई नौकरियां की, कई शहरों में भटके। इसी दौरान हरियाणा के जगधरी में वे करीब 6 महीने रहे, जहां वे सेंट थॉमस स्कूल में बतौर शिक्षक थे। उन्होंने जगधरी में हिंदी फिल्में देखनी शुरू की, लेकिन बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की फिल्म आराधना ने 19 वर्ष के टॉम अल्टर को इतना प्रभावित किया कि उसी सप्ताह उन्होंने इस फिल्म को 3 बार देख डाला। अगले 2 साल तक उनके जहन में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर चलती रहीं। फिल्मों में आने का फैसला कर टॉम ने पुणे के एपटिया आईआई में प्रवेश लिया, जहां उनकी मुलाकात बेंजामिन गिलानी और जूनियर नसीरुद्दीन शाह से हुई। तीनों ने एक साथ एक कंपनी मोटली स्थापित की और रंगमंच पर कदम रखा, और आज वे भारतीय रंगमंच इतिहास के स्तंभ पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। रंगमंच पर उनके एकल नाटकों के लिए उन्हें विशेष ख्याति मिली, जिसमें मशहूर शायर मिर्जा गालिब पर इसी नाम के प्ले और मौलाना अबुल कलाम आजाद पर आधारित प्ले मौलाना में निभाए उनके एकल अभिनय को हमेशा याद रखा जाएगा। टॉम ने रामानंद सागर की फिल्म चरस से फिल्मी सफर शुरू की और उसके बाद शतरंज के खिलाड़ी, देश परदेश, क्रांति, गांधी, राम तेरी गंगा मैली, कर्मा, सलीम लंगड़े पे मत रो, परिंदा, आशिकी, जुनून, परिंदा, वीर जारा, मंगलवार पांडे जैसी फिल्मों में निभाए किरदारों ने उन्हें हमेशा के लिए भारतीय सिनेमा का स्थायी अभिनेता बना दिया। आम धारणा के विपरीत टॉम को अंग्रेजों जैसे लोग होने का फायदा ही मिला और फिल्मों में शुरुआत करने में खास परेशानी नहीं हुई। आज के दौर में टॉम की वह बात सबसे यादगार है, मैं कोई गोरा नहीं बल्कि एक देसी आदमी हूँ और मुझे भारत में धर्मनिरपेक्षता यहाँ की सबसे अच्छी बात लगती है। टॉम अल्टर 1980-90 के दशक में एक खेल पत्रकार रहे। वे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का 1989 में पहला टीवी इंटरव्यू लिया। उस वक्त सचिन की उम्र महज 15 साल थी और उनके करियर का शुरुआती दौर चल रहा था। टॉम अल्टर को लिखने का भी बेहद शौक था और इसी के चलते उन्होंने 3 किताबें भी लिखी, जिसमें एक नॉन फिक्शन जबकि 2 किताबें फिक्शन थी। वर्ष 2008 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। टॉम अल्टर ने अपने बॉलीवुड करियर के साथ साथ कई क्षेत्रीय सिनेमाओं में भी अभिनय का लोहा मनवाया। उन्होंने तमिल, आसामी, बंगाली, तेलुगु, कुमावनी सिनेमा में अपनी एक्टिंग की स्पष्ट छाप छोड़ी। भारत के प्रतिष्ठित फिल्म इंस्टीट्यूट एपटिया आईआई पुणे में उनका चयन हुआ। कुल 800 लोगों में से 3 लोगों का चयन हुआ, जिसमें टॉम अल्टर, बेंजामिन गिलानी और पुन शुक्लदाखी शामिल थे। टॉम ने यहां करीब 2 साल एक्टिंग की क्लास ली और डिप्लोमा हासिल किया।